परस्कर जैसा अपना बाइक है, बाइक है 20W 40W 50W प्लस गियर इंजन, इंजन एक्टिव का पीछे रहता है, प्लस रहता है गियर रहता है। 20W 40W 50W मल्टी ग्राइंड ऑयल बदल ये जैसा स्कूटी है एक्टिव है 10W ओनली फॉर यूज पिस्टन क्रैंक मैं आयल जाना पिस्टन तक आना नीचे आना उसमें गियर बॉक्स नहीं है, नहीं है गियर बॉक्स एक्टिव पीछे रहता है, पीछे रहता है। इसलिए क्या करें उसकी 90° ऑयल सेपरेट की, ओके सेपरेट ऑयल 90 गाली है ना गियर बॉक्स जो गर्म होता है लुब्रिकेशन के लिए गियर के बीच 90° दिए ये इसमें बाइक में उसने लगा था। हाँ गियर में वही रहता है, वैसे ही रहता है, इंजन पिस्टन भी वही रहता है। जैसा कि गियर बॉक्स यहाँ है पिस्टन और यहाँ पिस्टन है, उधर ये क्लच है, ये एक्सल क्लच है, पिस्टन है, इधर गियर बॉक्स है, तीनों को एक ही आयल सप्लाई होता है, एक ही है उसको मल्टी ग्रेड आयल बोलते हैं। 20W 40 ला सकते हैं, 20W 50 ला सकते हैं जैसा क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट बस करो अपना 20 के मतलब 20W का मतलब 20 में तो 40 बोलते हैं जैसा दुख का गाय 40° 12 राइट 40 या 40 अच्छा मिडिल धूप में 40° पार हो गया जब क्या करना 20W 50 ला 20W 50 फर्ज करो अगर सुबह में कंकाल आए जैसे आपने कंकाल चला सुबह में क्या रहता है 20 जो बोलते हैं वेदर W का मतलब वेदर है फर्ज करो आप सुबह 13° है 20° का 13 से कम है तो 10W डालो 10W 30 10W 40 डालो 13 से कम रहते मॉर्निंग वेदर 10 हो गया 10 हो गया और है ना मिडिल वेदर है ना 30 40 50 वेदर जैसे कि आज विंटर आप विंटर है अपने जो है ना टेम्परेचर एकदम जो है ना 10 तक जाता 15 तक आता सुबह में 10 जाता दोपहर में 35 होता 35 का हाँ तो सुबह का वेदर मिडिल वेदर को लेके डालना और उसके लिए उन्होंने क्या बोलते हैं 20W 40W 10W 30 ऐसा मल्टी ग्रेड ऑयल बोलते हैं। ज़्यादातर मैं समझता हूँ एक बार गाड़ी इंजन स्टार्ट हो गया तो टेम्परेचर कैसा ही पड़ता है 40 क्या बहुत जाता है 20° के बाद ही गाड़ी सही चलती है अपने क्लाइमेट के साथ। तो मॉर्निंग का काउंटिंग नहीं आता मैं मॉर्निंग का जो पतला ऑयल दे रहा था वो काउंटिंग में लेते हो मेरे तो सेल्फ मारते क्या करता है और 20° है ना जैसा बाइक वो काम करता है एक्टिव 10° पहले काम करता ओके 10° जा के पिस्टन मार के स्टार्ट कर देता और जमाने में देखो पहले क्या करते गाड़ी स्टार्ट में तो क्या करते थे झुकाते थे टिका मारते थे थोड़े गाड़ी में तो जीप पर बटन दबा के गर्म करते थे वो गर्म क्या होता है इंजन गर्म होता था आज गर्म होके पतला होके स्टार्ट की गाड़ी में अभी भी गर्म करते पुरानी गाड़ी इंजन गर्म मत करते हैं बहुत पुराने गाड़ियों को भी देखा नीचे आँच लगाते थे गाड़ी स्टार्ट होना बोल तो चैम्बर के नहीं कलच चैम्बर के नीचे आँच लगा आँच लगाने से आयल जरा पतला होता है सेंटर में आयल टिक हो जाता था टिक हो गया ना बारीक ओला जो रहते हैं पिस्टन तक जाना टाइपिट तक जाना वहाँ नहीं पहुँचता था लोड पड़ता था इसलिए स्टार्ट नहीं होती थी गाड़ी इसकी वजह से गर्म करते समझते एग्जैक्टली वैसे से गर्म इसलिए करते हैं अभी टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से क्या ना उसका ग्रेड चेंज करते हैं मॉर्निंग वेदर ले लिए मिडिल तो ऊपर नीचे होता है मॉर्निंग स्पेशल ले लिए और सीसी के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि सीसी 100cc है 125cc है 135cc है 150 है 160 है 180 220 तक ही है तो टू व्हीलर में और भी बढ़ के बट 220 और 350cc है जैसा कि अपना बुलेट 500 तक है तो वो जो है ना मॉर्निंग का वेदर ही लेते हैं भैया बुलेट को कौन सा आएगा कौन सा ग्रेड का 20W 50 हाँ 20 मॉर्निंग का वेदर ले लिया 50 मिडिल का वेदर मिडिल क्या बोलते हो गाड़ी गर्म बहुत गर्म होने से 50° यूज़ करते और इसको तुम यहाँ यही गाड़ी ले आके कश्मीर चलाए ओके कश्मीर चलते यहाँ नहीं चलता कश्मीर में कौन सा करना 5W 50 ओके 5W बोलते हो वहाँ का 0 वेदर रहता भी वो 5W जो दाल है अपन 5 वेदर का वो 3 स्टार वर्ष का ओके और इसको 20W 50 दाल समझे वहाँ गाड़ी शार्ट ओके क्योंकि वहाँ 0 क्लाइमेट रहता पूरा बर्फ गिरता रहता इसलिए क्या करते हैं 5W 50 चलता कश्मीर पूरा एरिया में कार होंगे बाइक होंगे एनी बाइक एनी स्कूटर एनी एक्टर 5W 50 5W 40 तो मॉर्निंग का 5 ले लिए हाँ 50 40 जो है सीसी के ऊपर डिपेंड है सीसी के ऊपर जो भी है मॉर्निंग का ले ले रहे 5 हो तो आपके लिए 10 हो तो 20 हो तो मॉर्निंग का लिए बाकी का सीसी के ऊपर से तो 50 हो तो 40 हो तो जो भी बढ़ा रहे तो इसी वजह से इसी तरीके से ऑयल का जो मालूम होता कौन सी गाड़ी में कौन से एरिया में ऑयल कौन से ग्रेड का डालना वो जो है ना सजेशन देना शुरू वाले करके रखते हैं जैसा कि
कश्मीर में शोर वाले कुछ बोलते हैं ऑयल डाल, नहीं मैं वहाँ वो ही बेचते हैं क्योंकि वो वेदर के हिसाब से डिपेंड करके वो जो ना ऑयल दे, तो अपना जैसे कि यहाँ का हैदराबाद है यहाँ ज़्यादा जो है ना ताजी डब्ल्यू बाइक वो तो मार्ग का वेदर 20 मिनिमम रहता ही रहता है, सुबह उठे तो 20 से स्टार्ट होता है टेम्परेचर, उसके बाद 25-30 वाले में 13 डिग्री रहता है सुबह सुबह, हाँ जैसे सुबह के मतलब 6-7 13 डिग्री रहता है, जैसे 10-11 बजती पूरी 15-20 बार। तो ये हमारे रामचंद्र राणा, ये रामचंद्र राणा मेरे से बहुत सीनियर है मैकेनिक फील्ड में, मैं समझता आप कब आए ये फील्ड में? 1977 में रामचंद्र राणा आए हुए और जो मैंने 82 में मैं ये फील्ड में हूँ मैकेनिक फील्ड में, मैं भी गाड़ियाँ जाना चावा ऐसी लाइमरेटा आना भी वो टाइम में लाइमरेटा एलडी वो टाइम के अपना मैकेनिक से, और ये ना ये रामचंद्र राणा है मेरे खास फ्रेंड है, इनका भी आगे एक वर्कशॉप है अरुण सर्विसिंग पॉइंट करके, तो ये मेरा आगे सर्विसिंग पॉइंट जैसा आप लोगों को मालूम, तो हम लोग का डिस्कशन इसलिए एक लगा, ये मेरे को भी मालूम ये आपको भी मालूम, बट ये डिस्कशन करने से आप लोगों को मालूम होता है बोलते ना ये टॉपिक कंटिन्यू करें, तो फिर ऐसे हम जो है ना टॉपिक्स आप लोगों को देते रहेंगे गाड़ी के बारे में। राइट, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।